स्वागत है ब्रेक के बाद और खबर नोएडा से है, जहां विजय सेल्स के बाथरूम में मोबाइल रखा था और उसके जरिए एक महिला का वीडियो बनाया जा रहा था। महिला ने मोबाइल पकड़ा तो कर्मचारी सन्न रह गए। विजय सेल्स ने मोबाइल रखने वाले लड़के को भगा दिया है। तो आपको बता दें कि एक बड़ा शोरूम है विजय सेल्स, जहां इलेक्ट्रॉनिक जो भी गुड्स होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होते हैं, वो तमाम चीजों की यहां पर बिक्री होती है। और यहां एक सेल्समैन ने यहां पर रखा हुआ था एक मोबाइल, जिससे महिलाओं की यहां पर वीडियो बनाई जा रही थी। पुलिस ने विजय सेल्स के मैनेजर को हिरासत में लिया है और थाने में पूछताछ कर रही है। तो सेक्टर 18 में विजय सेल्स है, तो ये शोरूम है, एक बड़ा शोरूम है, अच्छा खासा शोरूम है सेक्टर 18 का, जहां ये शर्मनाक हरकत सामने आई है। तो जैसा कि सेक्टर 18 की अगर हम बात करें तो अच्छे खासे शोरूम है यहां पर, और इस तरह की घटना का सामने आना अपने आप में वाकई में चौंकाता है। तो एक महिला ने मोबाइल पकड़ा जो बाथरूम में रखा हुआ था, तो विजय सेल्स के बाथरूम में एक मोबाइल रखा हुआ था, जिसके जरिए अश्लील क्लिपिंग्स यहां पर बनाई जा रही थी या जो भी रिकॉर्डिंग यहां पर की जा रही थी। तो इसके बाद यहां काफी खलबली मच गई। फिलहाल जो इस शोरूम का मैनेजर है, उसे पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। तो नोएडा के सेक्टर 18 में है विजय सेल्स, जहां ये घटना सामने आई है। हाँ, मैं सेक्टर 18 स्थित विजय सेल्स के शोरूम में गया था एसी खरीदने अपनी धर्मपत्नी के साथ। वहाँ मेरी धर्मपत्नी को वॉशरूम यूज़ करना था, तो जब वो वॉशरूम में गई तो उन्होंने बाय चांस ऊपर जब उनकी नज़र गई तो देखा एक मोबाइल फ़ोन छुपा के रखा हुआ था वहाँ पे। जब उन्होंने वो मोबाइल फ़ोन निकाला तो देखा कि उसमें रिकॉर्डिंग ऑन थी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने वहाँ पे पूछताछ की वहाँ के मैनेजर वगैरह से, तो पता चला के वहीं के एम्प्लॉय का ही मोबाइल है। लेकिन उन लोगों ने वहाँ उस जिस बंदे का वो मोबाइल था सामने हाजिर नहीं किया, बोल दिया कि अभी वो लंच करने गया है, फिर थोड़ी देर बाद बोल दिया वो मिल नहीं रहा है। मुझे बिल्कुल ये चीज़ लग रही है कि क्योंकि अगर वो लोग चाहते तो तत्कालीन अगर कुछ एक्शन लेते तो वो बंदा वहीं के वहीं पकड़ा जा सकता था। लेकिन उन्होंने बातों बातों में कि आप मेरे ऊपर भी दबाव डाला कि आप मत कीजिए, ये उस बंदे लड़के की लाइफ खराब हो जाएगी, ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बोली। लेकिन ये मामला ऐसा